नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8i वर्सेस Oppo Reno 7 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8i में 6.46 इंच जबकि Reno 7 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Realme 8i से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme 8i में 2.97 इंच जबकि Reno 7 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme 8i से कम है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8i में 0.33 इंच जबकि Reno 7 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8i में 194 ग्राम जबकि Reno 7 5G में 173 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 8i में IPS LCD जबकि Reno 7 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Realme 8i में 20:1:9 जबकि Reno 7 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 8i में 6.6 इंचेस जबकि Reno 7 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 8i में 1080x2412 और Reno 7 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 8i में 84.88% जबकि Reno 7 5G में 84.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 8i में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Reno 7 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8i में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Reno 7 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 8i में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Reno 7 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 8i में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Reno 7 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 8i में Mali G57 MC2 जबकि Reno 7 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8i में MediaTek Helio G96 और Reno 7 5G में MediaTek Dimensity 900 MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 8i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Reno 7 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 8i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Reno 7 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 8i में अप टू 256GB जबकि Reno 7 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Realme 8i में 5000 mAh जबकि Reno 7 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 8i में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,894 रुपीस में मिलता है। और बात करें Reno 7 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 8i में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo Reno 7 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Reno 7 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है, दूसरा Xiaomi Mi 11i है, तीसरा Oppo F19s है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco C31 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।